नाज़रीन, हमारे माशी बहरान का एक बड़ा सबब स्मगलिंग और ज़खीरा अंदोज़ी है, जिसके तदारुक के लिए माजी में या तो सिरे से कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, या अगर हुई भी तो आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से नहीं हुई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को जो पर लगे, साथ ही गंदम, चीनी, खाद और जो दूसरी अहम अजनास है उनके निरखों में भी नाकाबले बर्दाश्त इजाफा हो गया। अब इसकी रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत ने फौज की मदद से हम कह सकते हैं कि आहनी क्रैकडाउन किया है, जिसके मस्बत नतज सामने आ रहे हैं। अच्छा, FIA हुंडी हवाला और करंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में 3 अरब 86 करोड़ रुपए जो हैं वो बराबर हम देख सकते हैं कि डॉलर्स और इसके दीगर जो गैर मुल्की करंसी है वो भी बरामद कर चुकी है, और 557 मुलजमान जो हैं बताए जाते हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगले चंद हफ्ते इस लिहाज से नहायती अहम होंगे कि एक महीने से जारी ये जो मुहिम है इसके जिम्मेदारों को आखिर क्या सज़ाएँ दी जाती हैं। अच्छा, सिर्फ सरहद ही नहीं बल्कि दुबई और जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनसे भी जो खेपी हैं महंगे परफ्यूम्स, डिज़ाइनर बैग्स, घड़ियाँ मुल्क में लाते हैं और कस्टम अफसरान की मिली भगत से उन पर ड्यूटी नहीं दी जाती है, जिससे मुल्क को यकीनी तौर पे टैक्स आमदन में भारी नुकसान होता है। दुकानों में जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो शेल्फ हैं इम्पोर्टेड अशिया से भरे होते हैं, लेकिन ताकतवर ताजर बरादरी से कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर ये स्मगलिंग का ये जो माल है कैसे खुलेआम धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है। अच्छा, हमारे जो कीमती वसाइल हैं स्मगलिंग की नज़र हो रहे हैं, और अगर इस नासूर पर काबू पा लिया तो शायद मुल्क बैरूनी कर्जों से बड़ी जल्दी निजात हासिल करके खुशहाली की जानिब गामजन हो जाएगा। अफसोस के जो सियासी अदवार में ऐसा नहीं हो सका, शायद आगे कुछ हो सके। अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी लाहौर वापस आकर अपना एक दबंग बयान दिया है। उन्होंने बड़े वाज़ अल्फाज में कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जो इंतकाम के लिए वापस नहीं आ रहे हैं, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बयानियाँ बदलने में शहबाज शरीफ साहब यकीनन शाबाश के मुस्तहिक हैं। अच्छा, किनाल रोड हो या फिर मेन बुलेवार्ड रोड हो, लाहौर की जो शाहराएँ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी झंडे दिखाई दे रहे हैं, और हैरत की बात है कि जून में पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं उनकी बाहर दिखाई देती थी, जो अब कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, और उनकी जगह मुस्लिम लीग नून के झंडों ने ले ली है। और लाहौर में नून लीग का जो शोर है, पीपल्स पार्टी की खामोशी, इस पर भी बड़ी बात की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।